पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की आज के टाइम की सबसे सफल फीमेल सिंगरों में से एक, जो सिर्फ अपनी सिंगिंग के दम पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही है, सिर्फ पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में नहीं बॉलीवुड में भी, सुनंदा शर्मा। पंजाब के गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में फतेहगढ़ चूरिया में जन्मी 30 जनवरी 1992 को सुनंदा कभी भी एक सिंगर नहीं बनना चाहती थी। वह तो शुरू से ही सिर्फ एक टीचर का सपना देखती आई थी। सुनंदा ने अपनी स्कूलिंग गुरदासपुर के ही एक स्कूल से पूरी की है एंड अपनी ग्रेजुएशन अमृतसर के खालसा कॉलेज से, जिसके बाद एमए करने के लिए इंग्लिश में उन्होंने गुरु नानक देव कॉलेज में अपना दाखिला लिया। सुनंदा स्टडीज में तो वीक थी, लेकिन सिंगर बनने के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन कहा जाता है ना, जब ऊपर वाले की मर्जी चलती है तब किसी की नहीं चलती। एक आम दिन की तरह ही वह अपनी भाभी के साथ मिलकर एक बार टीवी पर गाने सुन रही थी, जिसमें कुलविंदर बिल्ला का नया सॉन्ग प्ले हो रहा था, सुच्चा सुरमा। अपनी भाभी के कहने पर सुनंदा शर्मा ने वह सॉन्ग गाया, जिसकी उनके भाभी ने रिकॉर्डिंग कर ली, और वह रिकॉर्डिंग उन्होंने कुलविंदर बिल्ला को भेज दी, जिसे कुलविंदर बिल्ला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर कर दिया। लकली उस सॉन्ग पर इतने ज्यादा व्यूज आ गए जितने कुलविंदर बिल्ला के ओरिजिनल ट्रैक में भी नहीं थे, जिसके बाद लोगों के कहने पर सुनंदा ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, जिस पर वह सॉन्ग से कवर डालती थी, जिन पर एक बार नजर पिंकी धालीवाल की पड़ी, जो कि थे अमर ऑडियो के फाउंडर। जिसके बाद सुनंदा ने अपना खुद का ओरिजिनल ट्रैक रिलीज करा अमर ऑडियो के साथ मिलकर, बिल्ली आंख, जो इतना ज्यादा सफल नहीं रहा, जिससे वह अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो पाती। जिसके कुछ टाइम बाद सुनंदा ने अपना नेक्स्ट सॉन्ग रिलीज करा पटाके, जो कि वह ट्रैक बन सका जिससे वह अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो सकी। लेकिन इस सॉन्ग को कुछ कंट्रोवर्सी का भी सामना करना पड़ा, जिसके बाद कई ट्रैक्स सुनंदा ने अपनी ऑडियंस को दिए, जैसे कोके, मोरनी, सैंडल, जानी तेरा ना, जिसमें जानी तेरा ना पहला ऐसा ट्रैक रहा जो किसी गीतकार के ऊपर रखा गया, जिसने करीब 30 करोड़ व्यूज यूट्यूब पर हासिल करे हैं। जिसके बाद साल 2018 में उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू भी करा सॉन्ग तेरे नाल नचना है से, मूवी नवाबजादे के लिए सॉन्ग रिकॉर्ड करके, जिसके साथ ही वह 2018 में ही हिस्सा रही पंजाबी मूवी सज्जन सिंह रंगरूत का, जिसमें उन्होंने जीत कौर का रोल प्ले करा था। सुनंदा शर्मा को आज किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, उन्होंने सिर्फ अपनी पहचान पंजाबी इंडस्ट्री में नहीं बॉलीवुड में भी बनाई है अपनी सुरीली आवाज के दम पर। समय समय पर हमें उनसे आगे और भी ऐसे नए ट्रैक सुनने को मिलेंगे, और वह अपनी सुरीली आवाज से हम सब तक अपनी आवाज पहुंचाती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।